हेलो एवरीवन। तो आज मैं लाई हूँ पालक की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। झटपट से बनने वाली रेसिपी है, बिना किसी खर्चे का। बस 10 से 15 रुपए में आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। हमारे घर में ही सामान पड़े रहते हैं, जिससे बनाएंगे हम पालक पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी पालक की रेसिपी। अगर आपने ये एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन मानिए, आप हफ्ते में 2-4 बार तो बनाएंगे, आपको इतना ज़्यादा पसंद आने वाला ये रेसिपी। बहुत ही कम खर्चे में झटपट से घर के सामान से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं कैसे हमने बनाया है। तो इसके लिए हमें चाहिए पालक। तो आजकल बहुत ही ताज़े ताज़े पालक आ रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छी इसकी रेसिपी बनती है। तो ये देखिए, मैंने पालक को अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है, इसके जो मोटे डंठल है उसको निकाल लिया है। अब एक मिक्सी जार में हम डालेंगे धनिए का पत्ता। तो थोड़ा सा हम धनिए को काट करके छोटा छोटा डाल देंगे। साथ में अपने टेस्ट के मुताबिक हम हरे मिर्चे ले लेंगे। तो मैंने 3 हरी मिर्च को लिया है। तो साथ में जो हमारा पालक साफ करके रखा हुआ है उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अब बिना पानी डाले इसको अच्छे से हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो बेट में मैंने 1 केजी पालक लिया था, जिसके डंठल निकालने के बाद करीब 3 पाव पत्ते बचे होंगे। तो मैंने सारे पत्तों को पीस लिया है इकट्ठे ही, बिना पानी के। तो अब हम क्या करेंगे, गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। तो मैंने तेल डाला है, कम से कम 6 से 7 चम्मच होगा तेल, बहुत कम तेल नहीं डालना है। तो मैंने एक बड़े साइज के आलू को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। अब तेल जैसे गर्म होगा, पहले हमें आलूओं को करना है फ्राई। तो बिना पनीर की रेसिपी बनती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आने वाला ये रेसिपी। तो बस हम मीडियम फ्लेम पे आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे आलूओं को फ्राई करने में, क्योंकि आलू बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। जब ये करीब 80% पक जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा सुनहरा हो गया है, करीब 80% हमारा आलू कुक हो गया है। तो इसको हम अब निकाल लेते हैं। तो सारे आलू को हमें निकाल करके रख देना है, फिर जो तेल बचेगा उसमें हम अपनी सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, सारे आलू को मैंने निकाल लिया है। अब जो तेल बचा है इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे हमारा जीरा फूटेगा, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच अदरक और लहसुन। मैंने इकट्ठे दोनों को चॉप कर लिया है। तो बस इसको डाल करके अच्छे से इसको 2 मिनट हम भूनेंगे। तो जो अदरक लहसुन है इसको थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि अदरक लहसुन पालक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ में मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, हींग जरूर आप सब्जी में डालें। हींग डालने से क्या होता है, सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में जो है हमारे पेट के लिए हींग बहुत अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छे से होता है। तो जैसे ही थोड़ा सा लहसुन और अदरक हल्के से ब्राउन हुआ, मैंने 2 प्याज को चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज भी हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी मटर के दाने। तो मटर के दाने आप ज़रूर डालें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। क्योंकि आजकल पालक और हरे मटर का सीजन चल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे मटर और पालक आ रहे हैं ना। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, आपको बेहद पसंद आने वाला है रेसिपी। आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो पनीर की सब्जी खाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे, इतना अमेजिंग सी ये रेसिपी बनती है। तो ये देखिए, जैसे ही मटर हमारा 1 मिनट भुनाया है, तैसे मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, थोड़ी सी मिर्ची का पाउडर। थोड़ा थोड़ा हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें जो पालक है उसका कलर चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। साथ में मैंने 2 टमाटर को अच्छे से चॉप करके रखा हुआ था, इसको दरदरा सा मैंने ग्राइंड कर दिया था। तो बस बहुत ज़्यादा प्यूरी हमें नहीं बनाना है, हल्का हल्का ही करना है। तो टमाटर को डाल करके हम 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको पकने देंगे। तो जब हमारा टमाटर पक जाएगा, इसमें हम जो पिसा हुआ पालक का प्यूरी है उसको डाल देंगे। तो पालक का प्यूरी डाल करके इसको बढ़िया से हमें मिला लेना है। अब हमें पालक की भुनाई करनी है। पालक की भुनाई करने में करीब हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आप अच्छे से पालक को भूनिए, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि ये कच्चा पालक है तो इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा, आप अच्छे से इसको चला चला के भूनते रहिए। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है, थोड़ा सा इसका कलर ग्रीन से थोड़ा मध्यम हो गया है। तो ये देखिए, इसका यही पहचान है कि पालक हमारा अच्छे से भून चुका है। जब पालक भून जाएगा तो हमने जो फ्राई किए हुए आलू रखे थे उसको भी डाल देंगे। अब बढ़िया से इसको मिला लेंगे। 1-2 मिनट हम इसको ऐसे ही आलू के साथ भूनेंगे। पालक को हम जितने अच्छे से भूनेंगे, उतनी अच्छी हमारी सब्जी तैयार होगी।
तो बस मैंने 2 मिनट के लिए इसको ढक भी दिया था, तो अच्छे से इसका पानी जो है ना सूख चुका है। आप खुद देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल पानी नहीं है। तो बीच में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी तो उतनी अच्छे से वीडियो नहीं दिख पा रहा है। जैसे ही हमारा पालक अच्छे से भुन चुका है उसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी हम उतना डालेंगे जितना कि आपको ज़रूरत हो, जितना आप गाढ़ा पतला सब्जी खाना पसंद करें। तो ये सब्जी आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। तो पानी डाल करके मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था तो नमक डाल दिया है, साथ में मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा मसाला हमें इस रेसिपी में नहीं यूज करना है, बस हल्का मसाला ही डालना है। तो सभी को मिला करके ढक देंगे। तो ये देखिए फिर मैंने 2-3 मिनट के बाद इसको खोल करके अच्छे से चला दिया है। अब सब्जी लगभग तैयार है लेकिन मैं 2-3 मिनट इसको ऐसे ही अच्छे से पकने दूंगी, जो कि हमने पानी डाला था अच्छे से पक जाए। तो 2-3 मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए सब्जी कितने अच्छे से हमारी बनके तैयार हो गई है। क्या आपको लग रहा है कि ये पालक पनीर नहीं है? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको देखने में कैसा लग रहा है मैं तो नहीं जानती, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल अमेजिंग आने वाला है। तो बस मैंने ऊपर से 3 से 4 चम्मच घर की मलाई डाल दी है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना मलाई के ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मलाई डालने से थोड़ी जो इसका फ्लेवर है ना, बिल्कुल रिच फ्लेवर आता है। जो होटल रेस्टोरेंट में हम सब्जी खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला फ्लेवर आता है। तो मलाई डाल के मैंने 2 मिनट के लिए इसको और ढक दिया है। 2 मिनट के बाद हमारी मलाई भी अच्छे से सब्जी में मिक्स हो गई है। तो मैंने 2 क्यूब इसमें बटर डाल दिया है। अगर आपके पास बटर है तो डालिए, नहीं है बटर तो थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। तो अगर आपके घर में है चीज़ें तभी आप डालिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल स्किप कीजिए। ऐसे ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो है ना बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो ये लीजिए तैयार है गर्मा गर्म हमारा पालक का निमोना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सारा जो पालक पनीर है, मटर पनीर है, सबको फेल करने वाली रेसिपी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ मेरे चैनल पर आता रहता है।